हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बनाऊंगी इमली की चटनी। ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगी और आप कहीं भी इसे बना के डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इमली भिगा के रखी हुई है। पहले से मैंने इसे पानी में भिगा के रखा हुआ था ताकि इसके जो बीज है वो निकल जाए। हम इसे हाथों से ऐसे मैश करेंगे ताकि इसके जितने बीज हैं अलग हो जाएं। इमली चटनी बनाने के लिए हमें जीरे की ज़रूरत है, लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, करीब आधा चम्मच काला नमक। एक हम पैन रख लेते हैं गैस पर, उसको गर्म होने देते हैं। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल में हम जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसमें हम तोड़कर लाल मिर्च डाल देंगे और फिर हम अपनी इमली कर डाल देंगे, छान के डालेंगे ताकि इसके जो बीज है वो अंदर ना जाए। इस जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। आपको छान कर इमली का जो जूस है वो पैन में डालना है सिर्फ, इससे आपके जो बीज है वो नहीं जाएंगे। इसमें हम काला नमक लास्ट में डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैं मीठे के लिए गुड़ डालती हूँ। आप यहाँ पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे गुड़ यूज़ करूँगी। गुड़ से टेस्ट और अच्छा आता है। मैं सारे गुड़ इमली की चटनी में डाल दूँगी। पचास ग्राम के लगभग मैंने गुड़ इमली में डाल दिए हैं और इसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये उबलने लगा है और हमें इसे तब तक उबालना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इस तरीके से आपको इसे उबालना है। हमारा इमली की चटनी बन चुकी है। ये थोड़ी देखिए डार्क भी हो गई है, इसका टेक्सचर थोड़ा डार्क हो गया है। हमारा इमली की चटनी बन गया फ्रेंड्स, 2 मिनट में ये सिर्फ बन गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।